मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ नेवी SSR-AA तथा AMR का प्रैक्टिस मॉडल से साइंस का। साइंस के चलिए फिर से अगेन देखते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो जूल पर केजी होता है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आई माइनस टू एम एल टू टी माइनस थ्री। इसका होता है प्रतिरोध का विमीय सूत्र, यानी कि आर का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नैनो बराबर कितना होता है? तो एक नैनो होता है 10^-9 मीटर। ब्रह्मांड का आकार कितना होता है? तो 10^25 मीटर होता है ब्रह्मांड का आकार। अधिकतम प्रास के लिए प्रक्षेपण कोण बराबर होता है कितना का? तो अधिकतम यानी कि बहुत ज़्यादा रेंज के लिए 45 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोण विरामावस्था से समरूप त्वरण के साथ गतिशील है, 30 सेकंड बाद इसका विस्थापन मीटर श्रेणी में कौन सा समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका विस्थापन, देखिए समीकरण दिया हुआ है x बराबर 580 + 90² t बराबर इतना है, तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके t का वैल्यू रख देंगे तो राइट आंसर आएगा 270 मीटर। नेक्स्ट है, a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया है, तो b माइनस a का मापांक, तो पहले b में से a को घटा लीजिए फिर मॉडुलस निकाल दीजिए, राइट आंसर आएगा 26। निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो विभव एक अदिश राशि है जिसका विभवांतर वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग कितना हो जाएगा? तो जब समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग हमेशा बढ़ते जाएगा। गुरुत्वीय बल क्या है? तो गुरुत्वीय बल संरक्षी बल होता है। अगला क्वेश्चन है कि M1 M2 द्रव्यमान के दो कोणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी d है, तो इनका द्रव्यमान M1 के साथ कितना होगा? तो M2d / M1 + M2 होगा। अगर पहले वाला के साथ बोलता तो कितना होता है, दूसरे वाला M2 द्रव्यमान के साथ, तो M1 × d / M1 + M2, तो यहाँ बोल रहा था M1 द्रव्यमान, इसलिए M2d / M1 + M2। ताप की वृद्धि के द्रव का पृष्ठ क्या होता है? तो घटता है। बर्नौली प्रमेय किसके लिए आता है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम का अनुप्रयोग है, बर्नौली सिद्धांत। और किसके लिए आया था हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, द्रव के लिए आता है। और ये किसका अनुप्रयोग है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का। द्रवण के समय वस्तु का ताप क्या होता है? तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब द्रवित किया जाता है किसी वस्तु को तो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कमरे की दीवार की मोटाई 0.42 मीटर है, मीटर दीवार के पदार्थ की ऊष्मा चालकता 1.668 जूल पर मीटर सेकंड के तथा कमरे के भीतर का ताप बाहर की अपेक्षा 10 डिग्री ज़्यादा हो, तो दीवार के प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्र से ऊष्मा की हानि कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 जूल पर सेकंड। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और ऐसा बिल्कुल कभी नहीं सोचे कि साइंस का जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल नहीं आएगा दोस्त, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद मैंने एग्जाम दी हुई है और न्यूमेरिकल्स एबिलिटी ज़रूर आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कर लें जो भी हम आपको प्रैक्टिस सेट में दिए हैं न्यूमेरिकल का क्वेश्चन को, क्योंकि आप देख पा रहे हैं थ्योरेटिकल भी आता है लेकिन 4 क्वेश्चन 25 में से 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला रहता है, इसलिए इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएं। स्टीफन का नियम कौन सा है? तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t^4 होता है, इसको स्टीफन का नियम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो स्वर द्विशूलों की आवृत्ति क्रमशः 128 हर्ट्ज तथा 384 हर्ट्ज है, इनके द्वारा हवा में उत्पन्न ध्वनि का तरंग दैर्ध्य का अनुपात, तो हवा में जब 128 और 384 है तो 3:1 होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। नेक्स्ट है, तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो आयाम कहते हैं। तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविष्ट खोखले के अंदर विद्युत तीव्रता, तो खोखले गोले के अंदर 12th का क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता कितनी होती है? तो 0 होती है। नेक्स्ट है, 3 संधारित्र की धारिता दिया हुआ है, इसकी समतुल्य धारिता क्या होगा? तो समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में अलग अलग चेक कर लेंगे, तो समांतर क्रम में निकाला हुआ सही है 1 माइक्रोफ़ारड, क्योंकि सबको जोड़ देंगे तो सबको जोड़ने से समांतर क्रम में सबको जोड़ा जाता है, सबको जोड़ेंगे तो 1 माइक्रोफ़ारड आएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर से जी हाँ बिल्कुल धारा मापा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा। तांबा क्या है? तो तांबा को प्रतिचुंबकीय की श्रेणी में रखा गया है, तो तांबा प्रतिचुंबकीय है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर नमन कोण एंगल ऑफ डीव 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे भोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बेल मेटल में होता है, बेल मेटल में क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े कि तांबा किसका किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर और जिंक का, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि बेल मेटल में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और टीन से बनता है बेल मेटल। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ इस वीडियो का 25 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़े रहें, और भी हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे।